शराब अड्डों को नष्ट करने नाव से पहुंची पुलिस। 6 लाख का माल किया जब्त। वॉशआउट अभियान के तहत की कार्रवाई। वॉशआउट अभियान के तहत शुरू अभियान में कारधा पुलिस थाने के कर्मियों ने 4 महुआ शराब अड्डे पर कार्रवाई कर 5,98,250 रुपए का माल जब्त किया। वैनगंगा नदी के बीच चल रहे इन अड्डों पर 9 नवंबर की रात नाव के जरिए दबिश दी गई। आरोपियों में अशोक शामराव जगनाड़े उम्र 50 वर्ष आंबाड़ी निवासी, सुरेंद्र बालदेव कलम्बे उम्र 35 वर्ष तिड्डी निवासी, रवि मेश्राम, जिलाधिकारी संदीप कदम, जिला पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव, जिला पर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती द्वारा अवैध व्यवसाय को बंद करने हेतु जिले में वॉशआउट अभियान आरंभ किया गया है, जिसके तहत कारधा थाने के थानेदार एपीआई दीपक वानखेड़े ने 9 अक्टूबर को वैनगंगा नदी के बीच तथा तट पर चल रहे अवैध शराब अड्डों पर छापे मारे। मकर धोकड़ा तट से पुलिस टीम नाव के जरिए मौके पर पहुंची। मौके से पुलिस ने 10 लोहे के ड्रम, 50 मिट्टी के मटके, 15 किलो सड़वा, 20 प्लास्टिक के ड्रम, जलाव लकड़ी, ऐसे कुल 1,47,250 रुपए का माल जब्त किया। इसी तरह अंबाड़ी परिसर में छापा मारकर 6 लोहे के ड्रम, जमीन में गाड़ कर रखे गए 35 मिट्टी के मटके, 15 किलो महुआ, प्लास्टिक ड्रम, इस तरह कुल 1,43,125 रुपए का माल जब्त किया गया। वहीं टिड्डी परिसर में चलाए जा रहे शराब अड्डे पर छापा मारकर पुलिस ने महुआ समेत कुल 1,63,500 रुपए का माल जब्त किया, जबकि संगम पुनर्वसन परिसर में भी पुलिस ने छापा मारकर 15 मटकों में भरी शराब समेत कुल 1,44,000 रुपयों का माल जब्त किया है। पुलिस ने कुल 5,98,250 रुपए का माल जब्त किया। उक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव, अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक वानखेड़े व उनके दल ने की है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।